आज का टॉपिक है मास कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मास फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन आज की वीडियो में हम इनकी डेफिनेशन जानेंगे और फिर हम प्रैक्टिकली डायग्राम से समझेंगे और लास्ट में मैं आपके साथ टेक्निकल नोट शेयर करूँगा मतलब आप कैसे इनको आसान भाषा में लिख सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं मास कंसंट्रेशन क्या होता है और क्या होती है इसकी डेफिनेशन किसी सल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में किसी कंपोनेंट का मास उस कंपोनेंट का मास कंसंट्रेशन कहलाता है और यह उस कंपोनेंट की डेंसिटी के बराबर होता है जिसको हम रो से डिनोट करते हैं चलिए अब इसको समझते हैं देखिए इसमें लिखा है द मास कंसनट्रेशन ऑफ आर स्पीसीज़ ए मतलब कंपोनेंट ए इन आर सल्यूशन इज द मास ऑफ स्पीसीज़ ए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन इट इज इक्वेलेंट टू द डेंसिटी ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय द सिंबल रोस अफिक्स ए हमारे पास कोई सल्यूशन है ठीक है जिसमें कंपोनेंट ए और बी प्रजेंट है अब हमको इस सल्यूशन में कंपोनेंट ए का मास कंसंट्रेशन निकालना है तो ध्यान देना इस पूरे सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में कंपोनेंट ए का जो मास होगा वो ही मास कंसंट्रेशन कहलाएगा अब ध्यान देना जो मास कंसंट्रेशन होता है वो इक्वल होता है डेंसिटी के कहने का मतलब यह है कंपोनेंट ए का मास कंसंट्रेशन इक्वल कंपोनेंट ए की डेंसिटी जिसको हम रो सफिक्स ए से डिनोट करते हैं मतलब दिखाते हैं अब ध्यान देना अगर हम कंपोनेंट बी का मास कंसंट्रेशन निकालते हैं तो हम रो सफिक्स बी कर देंगे ठीक है अब ध्यान दो अगर हम बात करें पूरे सल्यूशन की मतलब इस पूरे सल्यूशन की मास कंसंट्रेशन क्या होगी तो ए का मास कंसंट्रेशन प्लस बी का मास कंसंट्रेशन इक्वल पूरे सल्यूशन का मास कंसंट्रेशन ठीक है चलिए अब बात करते हैं मोलर कंसंट्रेशन क्या होता है और क्या होती है उसकी डेफिनेशन किसी सॉल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में किसी कंपोनेंट के मोल्स की संख्या उस कंपोनेंट की मोलर कंसंट्रेशन कहलाती है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं और इसकी एस आई यूनिट किलोमोल पर मीटर क्यूब होती है चलिए अब इसको समझते हैं इसमें लिखा है द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आ स्पीसीज ए मतलब कंपोनेंट ए इन आ सॉल्यूशन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पीसीज ए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास कोई सॉल्यूशन है ठीक है जिसमें कंपोनेंट ए और बी प्रजेंट है अब हमको इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोलर कंसनट्रेशन निकालना है तो ध्यान देना इस पूरे सल्यूशन के पर यूनिट वॉल्यूम में कंपोनेंट ए की जो मोल्स की संख्या होती है उसको हम मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए जिसको हम सी सफिक्स ए से डिनोट करते हैं मतलब दिखाते हैं अगर हम बात करें कंपोनेंट बी की तो यहाँ पर सी सफिक्स बी लग जाएगा इसकी वैल्यू होती है रो सफिक्स ए अपॉन एम सफिक्स ए ठीक है यहाँ पर देखो रो सफिक्स ए अपॉन एम सफिक्स ए इसको बोलते हैं मास कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए और इसको बोलते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ कंपोनेंट ए इसकी एस आई यूनिट होती है किलोमोल पर मीटर क्यूब अगर हम बात करें पूरे सल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी तो ध्यान देना कंपोनेंट ए का मोलर कंसंट्रेशन प्लस कंपोनेंट बी का मोलर कंसंट्रेशन पूरे सल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन ठीक है चलिए बात करते हैं मास फ्रैक्शन क्या होता है और क्या होती है इसकी डेफिनेशन किसी सोल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की मास कंसंट्रेशन और पूरे सोल्यूशन की मास डेंसिटी का रेशियो होता है जिसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं चलिए अब इसको समझते हैं इसमें लिखा है द मास फ्रैक्शन एक्स सफिक्स ए ऑफ आ स्पीसीज ए मतलब कंपोनेंट ए इन आ सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास कंसनट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए टू द मास डेंसिटी ऑफ द सल्यूशन ठीक है अभी हमने ऊपर पढ़ा था जो कंसनट्रेशन होती है वो इक्वल होती है डेंसिटी के तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होना अब देखिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए और बी प्रजेंट है अब हमको इस सल्यूशन में कंपोनेंट ए का मास फ्रैक्शन निकालना है तो ध्यान देना इस सल्यूशन में कंपोनेंट ए का मास कंसंट्रेशन और पूरे सल्यूशन की मास डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो ही मास फ्रैक्शन कहलाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए जिसको हम एक्स सफिक्स ए से डिनोट करते हैं अगर हम बात करें कंपोनेंट बी की तो यहां पर एक्स सफिक्स बी हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल रो सफिक्स ए अपॉन रो ठीक है देखो यहाँ पर रो सफिक्स ए अपॉन रो इसको बोलते हैं मास कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए और इसको बोलते हैं पूरे सल्यूशन की मास डेंसिटी या फिर पूरे सल्यूशन की मास कंसंट्रेशन चलिए आप समझते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है और क्या होती है इसकी डेफिनेशन किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की मोलर कंसंट्रेशन और पूरे सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन का रेशियो होता है जिसको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं चलिए अब इसको समझते हैं इसमें लिखा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ आ स्पीसीज ए मतलब कंपोनेंट ए इन आ सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें कंपोनेंट ए और बी प्रजेंट है हमको इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ध्यान देना इस पूरे सल्यूशन में कंपोनेंट ए का मोलर कंसनट्रेशन अपॉन पूरे सॉल्यूशन का मोलर कंसनट्रेशन का जो रेशियो होता है वो ही मोल फ्रैक्शन कहलाता है और मोल फ्रैक्शन को हम स्मॉल एक्स सफिक्स ए से डिनोट करते हैं हमने सफिक्स में ए इसलिए लगाया क्योंकि अभी हम कंपोनेंट ए की बात कर रहे हैं जो इक्वल होता है सी सफिक्स ए अपॉन सी जहाँ पर सी को बोलते हैं मोलर कंसनट्रेशन ऑफ कंपोनेंट ए और इसको बोलते हैं पूरे सल्यूशन का मोलर कंसनट्रेशन और इसी के साथ ये सारे पॉइंट कवर हो गए चलिए आप जान लेते हैं कैसे आप इनको टेक्निकल लैंग्वेज में लिख सकते हो और यह टेक्निकल नोट्स आप चाहो तो इनको भी नोट कर सकते हो या फिर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो आगे आपको सभी पॉइंट ऐसे लिखे हुए मिल जाएंगे और इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना कुछ भी पूछना हो या फिर अपना सुझाव देना हो तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हो मैं रिप्लाई कर दूँगा अगर आपके पास केमिकल ब्रांच है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय